सारे रिश्ते नाते खत्म कर दिए और शौहर जिस पर बहुत भरोसा था उसने बिना किसी वजह के बिना किसी मकसद के तलाक दे दी। हर एक अनजान शहर में अकेला छोड़कर चला गया, बल्कि भाग गया। शहर में मुझे दो मियां बीबी मिले, मदद करना चाहती थी तो मैंने मांगी उनसे मदद, उनके साथ जाके उनके घर रहने लगे। और फिर मुझ पर ये हकीकत खुली कि गलत काम करती थी। कुछ ऐसा रही थी मामा, और इस कुछ अरसे में कई बार वहां से भागने की कोशिश की और हर बार पकड़ी जाती थी, खुद को मारने की भी कोशिश की, अल्लाह ने हिफाजत करी। ये तो मेरी बच्ची के पैदा होने पर उनके अजाइम सामने आए। अफसोस ना, खुदा ने इज्जत रखी मेरी, जितना शुक्र अदा करूं उतना कम। बेटा तुम बच्ची कहाँ छोड़ आई? हॉस्पिटल में एक नर्स थी, उसके पास ही छोड़कर आई। ऐसे करो बेटा, जाकर अपनी बच्ची को ले आओ, बल्कि मेरा पोता तुम्हारे साथ जाएगा, वो मीडिया में है और मीडिया वालों को कोई मुश्किल नहीं होती। नहीं नहीं, थैंक यू, कि मीडिया वालों से आप मुझे दूर ही रखें। ये वैसे भी सारे ऐसे लोगों के ही सपोर्टर्स हैं। तो क्या हम पर भरोसा नहीं है बेटा? आप खुद ही बता दें, जिस इंसान को जिंदगी में सिर्फ धोखे मिले वो कैसे किसी पर भरोसा करे? तो मुझे अपने साये से भी डर। अगर तुम कहती हो तो मैं नहीं कहती, लेकिन अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, बल्कि अपनी बच्ची के साथ मेरे पास ही रहोगी। मेरा पोता मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखता, बहुत मसरूफ रहता है वो। मैं जाके अपने पोते को देखती हूँ और तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम करती हूँ, तुम चलने की तैयारी करो, ठीक है?